आपका खेल समझ गया वकील साहब। मैं समझ गया कि आप अदालत में यह साबित करना चाहते हैं कि सच्चिदानंद अग्निहोत्री जो इस वक्त इस गवाह के कटघरे में खड़ा है एक पागल आदमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पागल आदमी नहीं हूं। मैंने वही बोला है जो मैंने देखा है और मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। आप जानना चाहते हैं कि मेरी जेब में क्या है? मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आपकी जेब में क्या है। मेरी जेब में यह कलम है जिससे लिखा जाता है। मैं जानता हूं कि दीवार पर वो जो चीज है वो एक घड़ी है और उसमें इस वक्त 4:38 हुए हैं। मैं जानता हूं वो जो आदमी उस मशीन के आगे बैठा है वो एक टाइपराइटर है। मैं जानता हूं कि टेलीफोन से बात की जाती है, कलम से लिखा जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि लोगों की भीड़ में जो औरत बैठी है वो मेरी धर्मपत्नी है, उसका नाम गायत्री है, और उसके साथ जो आदमी बैठा है वो मेरा समधी है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा बेगुनाह इकलौता बेटा जो इस वक्त जेल की सलाखों में सड़ रहा है और उसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं जानता हूं कि ये चश्मे का कवर है और ये क्या रहे हैं? पागल साबित करना चाहते हैं? मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं ये कलम नहीं, एक रिवॉल्वर है और इससे आदमी मर सकता है। आप जानना चाहते हैं कैसे? आप जानना चाहते हैं कैसे? ये देखिए ऐसे। गायत्री तेरा बाप सर फिरा था, उसने मेरे सामने जसपाल राणा के सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि मुझे अपने ही हाथों अपने बेटे को लहूलुहान करना पड़ा। तेरा बाप मर तो गया लेकिन उसकी सजा अभी तक पूरी नहीं हुई। कहते हैं कि बाप के शरीर को जब तक बेटे के हाथों आग न मिले उसे मोक्ष नहीं मिलता, और मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि मास्टर की चिता को तेरे हाथों आग नहीं मिलेगी। कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एक मामूली से स्कूल मास्टर का खून इतना गर्म होगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। कामले, ठंडा करो इसे, ठंडा करो इसे। यथा विहाय नवानि गृहणाति वरोपराणि तथा शरीराणि विहाय दूरानि अन्यानि संयाति नवानि देहि शरणं शिरसि क्या कह रहे हैं कामले साहब? ये कैसे ऑर्डर्स हुए? एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? चलो चलो जल्दी कसौटी को। जी रुक जाओ, मैंने कहा ना जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता ये अर्थी नहीं कसी जाएगी, छोड़ो। कामरे साहब, विशाल मास्टर जी का इकलौता बेटा है, क्या आपका कानून आपकी अदालत ये भी नहीं जानती कि पिता की चिता को? देखिए गिरी बाबू, कोर्ट के ऑर्डर्स विशाल की भलाई के लिए है। हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ हुंडे जैसे लोग विशाल की गेम करना चाहते हैं, उसके बाहर आने से शहर में खून खराब हो सकता है, और इन ऑर्डर्स के साथ हमें इंस्ट्रक्शन है कि मास्टर जी का अंतिम संस्कार 7 बजे से पहले पुलिस सिक्योरिटी में हो जाना चाहिए। ये सब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाइए, जला दीजिए इन्हें जिस तरह अदालत चाहती है उसी तरह जला दीजिए इन्हें। इस आदमी के साथ यही होना चाहिए,
बेटे के हाथों आग नसीब नहीं होनी चाहिए इसके शरीर को। जिंदगी भर सच्चाई और इंसानियत की पूजा करते रहे, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ तो सही है, जला दीजिए, चलो भाई लो लो, जला दो, बांधो इसे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कामले, राख का ढेर सिर्फ ये सच्चिदानंद अग्निहोत्री नहीं बनेगा, बल्कि मेरे बेटे के क्रोध की आग से जसपाल राणा से लेके तुझ तक सब बनेंगे ढेर, राख के ढेर। जो भी जख्म थे इनके सर में थे, वो हमने साफ कर दिए। ये कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, ये मंगवा लीजिए। खबरदार, अगर जेब से चिट्ठी निकाली बंटेश्वर। राणा साहब, मैं तो रुमाल निकाल रहा हूं जी। अब देखिए राणा साहब, इस बार बड़े भैया ने कौन सी चाल चली है। लिखा है भतीजी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेच दूं। अब आप ही बताइए राणा साहब, जमीन को बेचकर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी। वो हमारे पुरखों की जमीन है जी। किस जमीन की बात कर रहे हो? वही 2.5 बीघा धौलपुर से फिर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है जी, निकाल लो। हेलो, अच्छा अच्छा, राणा साहब विशाल जेल तोड़कर भाग गया। कामले साहब, ये खुशखबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा, तो अब अपराधी जेल तोड़कर भागने लगे हैं। शट अप! मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ऊपर कड़ी नजर रखना, इडियट। नागेश कहां है? Thank you.
राणा साहब विशाल को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स हैं। आप देखते जाइए, 24 घंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी। हेलो राणा, तेरे नागेश को चिता पे लिटा दिया है मैंने। क्या? हेलो, तेरी वजह से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था, मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नागेश को किसी शमशान में जलाकर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कपासवाड़ी के पीछे एक कटर के पास जलाया है। राणा, वक्त से पहुंचेगा तो आग मिलेगी, देर करेगा तो राख। क्या हुआ राणा साहब, ये आग कैसी? ये आग नहीं, ये नागेश है, नागेश। मैंने पहले दिन इससे कहा था भैया शर्मा मत, जो भी बात कर लिए कर लो सीधा। अगर जोक भी करो इसे तो सीरियस हो जाता है। सीरियस तो है ही ये। ऐसा ही है ये, अगर चार टांगे होती तो इसका जवाब पूछो इसे। सही है सही है, अगर चार टांगे होती ना इसकी तो। क्या हाल है प्रधान साहब, अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा है विनोद, अमेरिका में डॉक्टर है। ये मेरी बड़ी बहू है और ये मेरा छोटा बेटा है, पटना में फैक्ट्री प्लान कर रहा है। ये मेरी वाइफ। और ये मेरा पोता है रिको। रिको, मेरा नाम विशाल है, मैं तुम्हारे दादाजी का एक क्लाइंट हूं। तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बड़े मुश्किल से केस में डाल दिया है, जिसका क्या हल होगा मुझे नहीं मालूम। तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी क्या हैं? मैं बताता हूं। कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगह बनाई है इन्होंने। अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेंका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है। सच और झूठ के फर्क का ये यूं खुलासा करते हैं, यूं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उठती। आदमी तो इतने नेक हैं कि खुद की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करते। जाओ, तुम अपने कमरे जाओ। क्यों प्रधान साहब, खुद की तारीफ सुनकर पसीना आ रहा है? चुप! किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कहते हैं जब मेरा बाप मरा था तो मेरी माँ की आवाज बंद हो गई थी। बचपन में तुझे एक अध्यापक ने सुधारा था, उस अध्यापक की वजह से तुझे एक नई दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वजह से। मुझे माफ कर दो। लगता है उसने फोन की लाइन काट दी है और उसने दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं प्रधान साहब,
बड़ी बड़ी अदालतों में ऊंची आवाज के साथ जिसकी उंगली उठती हो वह हाथ जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता। मुझे मत मारो मैं कोर्ट में तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर कोर्ट तू कभी देख नहीं पाएगा प्रधान। दिखता तो तू इंसानों जैसा है तो टांगे मुंह हाथ सर पर तेरी नस्ल तेरी कौम कुछ और ही है। तू इस दुनिया से अलग है प्रधान और हम अलग देखना चाहता है देख मेरे खून का रंग लाल है तेरे खून का रंग लाल नहीं हो सकता। मशहूर वकील अशोक प्रधान गोल्ड मेडलिस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना कि एक बाप को नहीं बाप को कंधा दे रहे हो। हेलो 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 कामले साहब मैं नागेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? नागेश मैं नागेश बोल रहा हूँ। कौन नागेश? अरे कामले साहब मैं नागेश बोल रहा हूँ मैं जिंदा हूँ। नागेश तुम जिंदा हो? हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ कामले साहब। कहाँ से बोल रहे हो इस वक्त? ये कोई मुकेश मिल नाम की जगह है कुलाबा में समंदर के पास। तुम फिक्र मत करो नागेश मैं अभी वहाँ पहुँचा। अच्छा मुझे ये बताओ आदमी इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त यहाँ नहीं है वो बाहर खाना लाने गया है। मेरे को बहुत डर लग रहा है कानून साहब प्लीज आप जल्दी आइए कानून साहब प्लीज जल्दी आइए। तुम डरना मत नागेश मैं अभी वहां पहुंचा। जल्दी करो हरी आप
हेलो राणा साहब, मैं पाटिल बोल रहा हूँ। विशाल यहाँ नेशनल होटल में बैठ के चाय पी रहा है। साहब यहाँ नहीं रुक सकते, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। रुकता हूँ, रुकता हूँ। रोक गाड़ी। नागेश, नागेश। यहाँ तो गाड़ी रोक दी। आगे ले, आगे ले। चला आगे बढ़ा। नागेश, नागेश। अरे टैक्सी को रोको। नागेश, नागेश। मेरे बच्चे। नागेश, नागेश। नागेश। तुमने जेल में आकर मुझसे क्या कहा था? विशाल अग्निहोत्री, मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाओगे, याद है? अब कैसा लगा मेरा बंदोबस्त? जी आपके साथ, बचाओ 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 बचाओ। बटेश्वर, धुलाई से बचना है तो निकल ले धौलपुर। राणा जी तो गए। चोर, ये लो उड़ा दो।
मिस्टर विशाल, तुम्हारे दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद चेक कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम्हारी उम्र कैद को कम करके सिर्फ 4 साल कर दिया जाए। कम मत कीजिए मेरी सजा, मत कम कीजिए मेरी सजा में से कुछ साल कम करके आपके हाथ से कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। अरे अगर कुछ काम करना ही है तो फिर हालात ऐसे बनाइए कि फिर मेरे जैसा विशाल यहां बैठकर आप लोगों को शर्मिंदा ना करे। आए थे मेरी सजा कम करने। मेरी सजा कम करेंगे।